हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इस तरह का कुकर यदि आपके घर में है और वो लीकेज करता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए मटका मॉडल है और ये 7 लीटर का है। तो ये कुकर जो है यहाँ से लीकेज है, यहाँ से रबड़ फेंक देता है। जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बनता है तो रबड़ यहाँ से फेंक देता है। तो देखिए पूरा रबड़ दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी गैप है दोस्तों, और सीटी नहीं बनती है। तो इस प्रकार का फॉल्ट यदि आपके कुकर में है, इस वीडियो को देखकर आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और जो नए भाई काम सीख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, वो भी वीडियो को लास्ट तक देखें और काम सीखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कमी होता क्यों है। ये ढक्कन आप देख रहे हैं, ढक्कन भी टेढ़ा हो जाता है इसका किनारा, और कुकर का बॉडी भी फैल जाता है, कुकर के बॉडी का किनारा भी फैल जाता है। देखिए इस कुकर में ये काफ़ी, ये इसकी मेन दीवार है और यहाँ से इस पोजीशन में ये हो गया है, इतना ये उठ गया है। देख रहे हैं चारों तरफ ये काफ़ी उठ चुका है, इसलिए यहाँ पे इतना पूरा यहाँ पे रबड़ दिख रहा है दोस्तों। तो इसी कारण जो है हमारा कुकर लीक करता है, यहाँ से रबड़ निकल जाता है बाहर की तरफ। और देखने में ये कुकर भी नया ही है, अभी कुकर ठीक है, LG का है कुकर, कोई भी कंपनी का हो, कितना भी लीटर का हो, 6 से 7 लीटर है दोस्तों। एक चीज़ आपको और बता दूं, आप सोच रहे होंगे अब इसमें कौन सी डाई लगेगी, डाई प्लेट कौन सा लगेगा। तो दोस्तों एक चीज़ आप जान लो, ये जो डाई प्लेट होता है ये तो 5 लीटर है, 5 लीटर का डाई प्लेट है, 5 लीटर के लिए है, लेकिन ये कुकर 7 लीटर का है। तो आप सोच रहे होंगे कि 5 लीटर से ये कैसे होगा, तो आज आपको बता दूँ। ये ढक्कन आप देख रहे हैं, ढक्कन का ये किनारा, ये गोलाई जितनी होती है इतना बड़ा ये डाई प्लेट लगता है। ये देखिए 5 लीटर पर रख के देखिए, ये पूरा कवर हो रहा है, 5 लीटर की डाई को ये ढक्कन पूरा कवर कर रहा है। तो इसी ढक्कन से पता लग जाता है कि कौन सा डाई प्लेट इसमें लगेगा, इसमें 5 लीटर का डाई प्लेट लगेगा। जैसे दोस्तों ये 7 लीटर का है, मटका मॉडल है, देख रहे हैं यहाँ पतला है और यहाँ पे डाई पे गोल हो गया है, इसका लीटर बढ़ा दिया गया है और ढक्कन जो है 5 लीटर का लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये जो लीकेज की समस्या है इसमें एक बार फिर मैं आपको बैठा के दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए काफ़ी ये गैप हो गया है, तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए इसको हमें डाई प्लेट की मदद लेनी पड़ेगी। और ढक्कन का बैंड देख लेते हैं, इसमें भी बैंड होगा कि नहीं होगा। तो समतल सतह पर इस तरह से इसको रखेंगे, इस तरह से हिलाए डुलाएंगे, तो ये देखिए हिल रहा है, तो इसमें भी बैंड है, अभी मैं इसका भी बैंड निकालूंगा। तो पहले दोस्तों इस कुकर के बॉडी के किनारे को हम सीधा करेंगे, ये जो ऊपर की तरफ उड़ गया इसको डाउन करना है। तो डाउन करने के लिए दोस्तों इस तरह का लकड़ी का हथौड़ी लेंगे, और या तो हथौड़ी आती है रेडीमेड उस हथौड़ी पर लेंगे, रेडीमेड हथौड़ी आती है उसको लेंगे आप। तो करना क्या होगा, कुछ करने से पहले यदि ये आपका खुल जाता है तो इसको निकाल लें खोल के, या ये खुल जाता है तो इसको खोल के निकाल लें। इसमें ये नट काफ़ी जाम हो चुका है, इसका भी ये जाम हो चुका है, तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आराम से इसको लगे रहने देते हैं और इसको ठीक करते हैं। तो दोस्तों ठीक करने के लिए हम हथौड़ी लेंगे की मदद लेंगे और इस डाई प्लेट की मदद लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो इसकी किनारा है ऊपर उठ गया, इसको हम डाउन करेंगे। डाउन करने के लिए इस लकड़ी की हथौड़ी से बराबर चोट मारेंगे, इस तरह से चोट बराबर मारेंगे जिसे बराबर नीचे की तरफ दबे, इस तरह से हम इसको घुमा करके बराबर चोट मारते हुए एक राउंड करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी 2 राउंड 3 राउंड, ठीक है, आराम आराम से चोट मारेंगे, ज़्यादा चोट नहीं मारना है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रकार के कुकर के फॉल्ट को दूर कर सकते हैं, और कुकर का ये यहाँ से रबड़ जो निकल जा रहा है उस समस्या को और लीकेज की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों काउंटर के नीचे ये प्लेट रख लेता हूँ, इस पर ठोकेंगे, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, देख रहे हैं ज़्यादा नहीं ठोकना है, इधर इतना उठा है, इसको मैंने थोड़ा सा डाउन किया, इतना डाउन करते हुए चलेंगे, बराबर चोट मारते हुए चलेंगे तो डाउन होता चला जाएगा, आराम आराम से चोट मारना है। इतना था, इतने सर ने इतना किया है। अब एक बार ढक्कन को लगा कर हम देख लेंगे कि ढक्कन हमारा फंस तो नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादा दब जाएगा
तो ये जो किनारा देख रहे हैं इसको रगड़ना पड़ेगा फाइल से, ठीक है, काटना पड़ेगा। तो एक बार ढक्कन को लगा कर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब भी इतना गैप है, कुछ कम हुआ है, इसका मतलब अभी हम इसको और डाउन कर सकते हैं। तो चलिए और डाउन करते हैं दोबारा। ये मटका मॉडल कुकर है दोस्तों, इसलिए इसमें इस तरह से हमको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो एक बार फिर मैं और चोट मारकर और डाउन करता हूँ। जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से मैं डाउन कर रहा हूँ, ऐसे ही आप भी डाउन करिए। अब दोस्तों एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा मैंने इसको और डाउन किया है, इतने से इतना किया, फिर इतना किया, ढक्कन एक बार फिर लगा कर देख लेते हैं कितना गैप बच रहा है। यदि गैप बचता है तो इसको हम और डाउन करेंगे, इसके किनारे को। अभी गैप इतना बच रहा है, चलिए एक बार फिर और चोट मारते हुए बराबर करते हैं बिल्कुल। इसका देखिए ये खुल गया अपने आप। हमने इसको और समतल कर दिया है, तो हम एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन ढक्कन अटक सकता है क्योंकि मटका मॉडल है। तो थोड़ा थोड़ा डाउन करके देखते रहेंगे, एक बार और देख लेते हैं ढक्कन लगा के। ढक्कन फंस तो नहीं रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे दब जाएगा तो ढक्कन हमारा फंस सकता है, क्योंकि ये मटका मॉडल है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार देखते हैं। देखिए मैंने कहा ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ ढक्कन अटकने लगा, जो यहाँ काफ़ी गैप बता रहा था अभी आपने देखा था। देखिए आपके सामने एक कुकर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ढक्कन फंस रहा है, इसने लगा नहीं। अभी देखिए यहाँ से यहाँ गैप है, आ गया सब कुछ यहाँ गैप है, तो ये जो फंस रहा है यहाँ से यहाँ पकड़ रहा है, इतना देख रहे हैं सड़ गया, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ इसकी दीवार पर यहाँ मारेंगे, तो ये अंदर होगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ भी गैप हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसके ऊपर और नहीं इसको डाउन करना है, अभी हम इसको यहीं पर रहने देते हैं। इसके बाद हम डाई प्लेट लगाएंगे, अब हम इसके रबड़ को निकाल लेते हैं तरह से लगा के। देखिए इसको मैंने लॉक को लगा दिया है, और अब ढक्कन का सिचुएशन क्या है, देखिए यहाँ पे फंस रहा है, यहाँ से यहाँ तक फंस रहा है, आपको करीब से दिखा दूँ। देखिए अब आप अभी यहाँ इसको फाइल करके काटना नहीं है इसको, क्योंकि यहाँ से देखिए अभी ये गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, तो जब हम इसको यहाँ पर मारेंगे, यहाँ मारेंगे तो ये कवर होगा ये गैप, और यहाँ से जगह बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको करके दिखाता हूँ, लड़ाना नहीं है। रात में इस तरह से ले लेना, देखिए थोड़ा सा हमने चोट मारा, ये ढक्कन पूरा बैठ गया अपने आप, जो यहाँ फंस रहा था अटक रहा था, देखिए हट गया और ढक्कन बैठ के ऊपर आ गया। लेकिन अभी यहाँ टच काफ़ी है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और गैप है, यहाँ गैप है, इसको हम खत्म करेंगे आराम से, ये पूरा आगे फैल जाएगा और पूरा आसानी से बैठ जाएगा। तो चलिए एक बार यहाँ पर चोट हल्का ही मारना, बहुत ज़्यादा नहीं मारना कि अंदर दब जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा और दिख रहा है, यहाँ भी थोड़ा दिख रहा है, और एक बार ढक्कन निकाल के आपको दिखाऊँ। अभी देखिए अटक रहा है ढक्कन, तो चलिए और इसका यहाँ से कम करते हैं गैप, यहाँ से भी कम करते हैं गैप, देखिए गैप और कम हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पूरा पकड़ रहा था, यहाँ भी देखिए गैप इतना दिखने लगा अब सामने वाले में, और यहाँ भी कम हो गया थोड़ा सा, और यहाँ मारेंगे जिससे यहाँ पूरा गैप हो जाए। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा गैप है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ तक गैप ज़्यादा है साइड में,
और यहाँ देखिए छोड़ दिया, ये फंस रहा था, थोड़ा सा यहाँ फंस रहा है, तो ये देखिए सही हो जाएगा। तो गैप वाले के सामने दीवार पर हम इस तरह से मारेंगे, देखिए कवर हो रहा है, अब इधर बढ़ गया, थोड़ा सा इधर और मारेंगे तो ये हिस्सा इधर बढ़ेगा, तो बिल्कुल छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल ये काफ़ी दुरुस्त हो गया और बचा हमारा कहाँ। एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, अब इसको मैंने पूरा समतल नहीं किया है क्योंकि 90 डिग्री से थोड़ा सा रह गया है, इस तरह से नहीं हुआ, यानी कि ये जो है यानी कि 95 डिग्री 96 डिग्री पर है पूरा 90 पे नहीं। जैसे और कुकरों में हम कर देते हैं बराबर, फिर मटका मॉडल है ये ध्यान देना है, यानी कि समतल से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा, यानी कि 95 डिग्री 96 डिग्री पर आप इसको रोकेंगे तो आसानी से। और बार बार इसीलिए मैंने आपको ढक्कन को लगा लगा के दिखाया, और उसी हिसाब से, नहीं तो ज़्यादा दबा देंगे तो ये ढक्कन फंसेगा, इसमें अटक जाएगा, बैठेगा नहीं। अब देखिए ढक्कन को लगा के मैं फिर आपको दिखाता हूँ, यहाँ तो आसानी से जा रहा है, इसको बंद करते हैं, देखिए यहाँ भी आसानी से बंद हो रहा है, देख रहे हैं सामने पूरा आसानी से बंद हो रहा है और अटक नहीं रहा कहीं, देखिए कुकर एकदम बंद हो रहा है आसानी से। तो इसका मैंने देखिए लॉक लगा दिया और आपका कुकर फर्स्ट क्लास गैप बन गया, चारों ओर बराबर गैप बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा, देखिए इस तरह से हथौड़ी लेंगे फिर मारेंगे हल्की हल्की चोट, हल्का सा ज़्यादा ना, बराबर भी कर लेना, ऐसे ही बराबर होता है दोस्तों, यहाँ ज़्यादा तो मारेंगे तो यहाँ ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ गैपिंग हो जाएगी, अभी देख रहे थे आप इतना अटक रहा था, बिल्कुल नया जैसा होने लगा, तो थोड़ा सा यहाँ चोट और मारना है। मैंने इस तरह से कुकर को पूरा लॉक कर लिया, जैसे बंद करते हैं कुकर उस तरह से उस पोजीशन में है ये। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चोट नहीं मारना है, इसलिए मैं कहता हूँ कुकर रिपेयरिंग में जल्दबाजी नहीं, स्टेप बाई स्टेप चलिए, आराम से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे मार लीजिए, ये बिल्कुल सही हो गया दोस्तों, बराबर हो गया, आप देख रहे हैं बिल्कुल चारों तरफ बराबर हो गया। मैंने वीडियो को कट नहीं किया कहीं पे, और आपको दिखाता हूँ मैं, ये आसानी से ढक्कन हमारा लग रहा है, लग गया, मैंने पूरा बंद कर दिया और इसको आसानी से खोल लिया, यानी कि जो हमारा यहाँ पर पूरा अटक रहा था ये सब खत्म हो गया, यहाँ का गैप खत्म हो गया, यहाँ का गैप खत्म हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से जो है बाई स्टेप हम काम करते हैं। तो ये मटका मॉडल था इसलिए हमने इसको पूरा समतल नहीं किया, 95 डिग्री पर समझिए इसको रोक के हमने रखा है, ठीक है 6 डिग्री कम है, लेकिन संपोर्ट इस तरह से हो जाता है और कुकर में हम संपोर्ट कर देते हैं। तो मटका मॉडल जब भी आप प्रिपेयर करें तो यही चीज़ ध्यान देना है, जैसे मैंने स्टेप बाई स्टेप किया दोस्तों, ठीक है। वीडियो बेशक लंबी बना देता हूँ मैं आप ही लोगों के लिए, जो नए भाई काम नहीं सीख पाते हैं सीखते हैं उनके लिए हमारा वीडियो रामबाण है, मैं मेहनत करता हूँ कि हमारे जो भाई हैं नए वो जल्दी से जल्दी सीख जाए। तो चलिए दोस्तों अब एक काम हो गया, अब इसको थोड़ा हम अच्छी तरह से इसी पर जो है जहाँ पे रुका होगा इसी पर हम जो है डाई लगाकर थोड़ा सा बराबर कर लेंगे, थोड़ा सा जहाँ ऊंचा नीचा है डाई लगाने के बाद सही हो जाएगा। तो चलिए डाई लगाने का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं, इस तरह का कागज़ हम रखेंगे नीचे इसलिए क्योंकि ये जो हमारा डाई का निचला हिस्सा है ये देख रहे हैं, इसका ये किनारे का दाग उस पर ना पड़े, ठीक है। ये डाई का निचला हिस्सा दोस्तों, इस पर जो है ये वाला जो डाई प्लेट का ये बोल्ट है, इसमें चूड़ी कटी हुई है, ये इसी में इस तरह से बैठता है, इसको हम नीचे रखेंगे। देखिए मैंने कागज लगा दिया और इस तरह से इसको बीचों बीच रख दिया हमने, इस कुकर का पैदा भी ठीक था इसलिए हमने पैदा को नहीं सेट किया। इसको बीचों बीच रखने के बाद दोस्तों इस डाई प्लेट को हमने ढीला कर लिया है, थोड़ा इसको इसका बाहर निकाल लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे, तो टाइट हो गया। और देखिए जैसे कुकर का ढक्कन लगाते हैं बिल्कुल ऐसे लगेगा, ये हमने उसी पॉइंट पर रख दिया, इसको बीचों बीच में रखना दोस्तों, ध्यान ही देना है, ये जो कुकर का आप देख रहे हैं इसके सीध में ये बोल्ट होना चाहिए। चलिए इसको हम टाइट करते हैं और ये डाई प्लेट हमारा ऊपर आएगा, हमारा डाई प्लेट ऊपर आ रहा है, थोड़ा लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा अंधेरा लग रहा है दोस्तों। मेरी दुकान मेन रोड पर है बाज़ार में, इसलिए गाड़ियों की आवाज़ और पब्लिक की आवाज़ और गुलहारन वगैरह सब आते रहते हैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब देखिए दोस्तों इसको हमने बिल्कुल बीच में कर लिया है, ध्यान में यही देना होता है कि जो ये प्लेट है ये बराबर से चारों तरफ अंदर रहे और ये बीच में बिल्कुल सीधा भी रहे और इसकी सीध में भी रहे। तो चलिए इसको मैं टाइट करता हूँ, देखिए बिल्कुल ये आ गया, हथौड़ी से मैंने उसको चोट किया था, देखिए कहीं कहीं ज़्यादा उठा है, तो भी वो सब सही हो जाएगा। तो चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं, टाइट करेंगे, फुल्ली टाइट करेंगे दोस्तों,
स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए क्या है, चारों तरफ देखेंगे, यहाँ थोड़ा थोड़ा उठा हुआ है और इसको हम डाउन कर लेंगे। मटका मॉडल है, इसमें थोड़ा दूसरे हिसाब से करना पड़ता है, गैप यहाँ पे बराबर हो, ये देखना है। देखिए गैप जो है दोस्तों बराबर हो गया। इसके चारों तरफ ये पेचकस हमारा चला जा रहा है, इतना गैप है, क्योंकि मटका मॉडल में बिल्कुल इस तरह से नहीं समतल करना है, 95-96 डिग्री पर रखते हुए इसको थोड़ा सा हल्का हल्का हथौड़ी के मदद से इसको हम ऊंचा नीचा बराबर कर देंगे, बस यही करना है, एकदम से समतल नहीं करना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और ढक्कन में भी बैंड होगा, ढक्कन के बैंड को निकाल करके तब हम इसमें लगा कर फूंक मार कर चेक करते हैं लीकेज करता है कि नहीं, सेट होता ही लगाते हैं। हमने लाइट को निकाल लिया है, उसके निचले हिस्से को निकाल लिया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कोई हल्का हल्का मारते हैं, नहीं तो यहाँ निशान बन जाता है, निशान तो नहीं बना, ये निशान बन जाता है। तो रेगमार से बारीक वाला जो जीरो होता है उसकी सहायता से हल्का रगड़ देंगे, साफ हो जाएगा। एक बार इस ढक्कन को बैठा के देखते हैं, कहीं फंस तो नहीं रहा है, अगर थोड़ा सा इधर उधर फिर कुकर भाग गया है तो वही प्रक्रिया पुनः कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा गैप बन गया और यहाँ पर थोड़ा सा बना है, तो इसको दोस्तों हम थोड़ा सा हीट करेंगे। देखिए हमारा ढक्कन बिल्कुल फंस नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे नया होता है उस तरह से ये सारे गैप यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा पूरा यहाँ रबड़ दिख रहा था, रबड़ निकल जा रहा था, सब कुछ सही हो गया, देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बराबर हो गया। दोस्तों अब ये देखना है कि हमारा यहाँ से लीकेज करता है, और इसको हम इधर रख देते हैं, अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ। दोस्तों इसका बैंड निकालने के पहले एक बार हम इसको भी देखेंगे, ये जो रबड़ का खांचा हमारा है कहीं से अंदर की तरफ दबा तो नहीं है, ये दीवार यहाँ रबड़ बैठता है, ये जो उभरा हुआ भाग है अंदर की तरह दब जाता है, तभी हमारा सब कुछ करने के बाद लीक बताएगा, यहाँ ऊँचा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ये दबा है अंदर की तरफ, तो इसको हम थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे और देख लेते हैं, और कुछ सही नहीं है और सब जगह सही है, थोड़ा सा एक जगह है दोस्तों। तो इसको यदि आपके पास इस तरह का एडजस्टेबल विंच है तो इसकी मदद भी आप ले सकते हैं, और इसकी मदद भी आप ले सकते हैं, और जहाँ ये खांचा मुड़ा हुआ है यहाँ पर इस कम करके यहाँ पर आप लगाएँगे इस तरह से, और इस तरह से कर देंगे तो ये इस तरह से देखिए इससे भी हो जाता है, थोड़ा सा दब दिया मैंने, देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया। तो एडजस्टेबल रिंच की मदद से भी इस कांच को आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल सीधा हो गया यहाँ पे, और इसमें कांचे का बैंड नहीं है। वो ढक्कन रख के देखता हूँ, हल्का फुल्का है, एक बार हम रबड़ लगा कर फूंक मार कर देख लेते हैं पहले सेट है कि नहीं, यदि निकलता है तो ढक्कन का बैंड निकालेंगे, सेट हो जाता है तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुकर को बंद कर दिया, और अब मैं इसमें फूंक मारता हूँ, इसमें हवा भरूंगा, और हवा भरने के बाद अंगूठे से इस तरह से दबा लूँगा, तुरंत थोड़ी देर रोक के रखूँगा, उसके बाद छोड़ूंगा, तो यहाँ से हवा यदि वापस आता है बैक मारता है तो समझिए ओके है, इसका फिटिंग सही हो गया है। तो चलिए मैं इसमें फूंक मारता हूँ, अभी यहाँ से निकल रहा दोस्तों, ढक्कन का भी बैंड निकालना पड़ेगा, ये ढक्कन का बैंड निकाल लेते हैं। ढक्कन का बैंड निकालने के लिए तो जो हिल रहा है इस तरह से समतल जगह पर रखेंगे, इस तरह से हिलेगा, हिलना नहीं चाहिए, ऊपर मारेंगे बस, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद दोस्तों देखिए कम हो गया, हाँ चोट तब मारेंगे जब ये थोड़ा हिस्सा उठ जाता है तो इसको डाउन करेंगे, और यहाँ भी एक चोट मार देंगे यदि ज़्यादा उभरा रहता है, नहीं तो बाद में जब लगाते हैं इसका तनाव, इसमें जब बैठाते हैं तो तनाव कम रहता है, इस तरह से ढक्कन चिपक कर प्रेशर के साथ नहीं बैठता है, तो इस तरह से इस पर भी मार देते हैं डाउन हो जाता है, तो यहाँ जब बैठाते हैं अच्छे से तो यहाँ पर जब इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ इस तरह से तनाव रहेगा तो रबड़ चिपक के दीवार में बैठता है, ठीक है दोस्तों। यदि ये ढक्कन का भाग ये ज़्यादा उठा रहता है इसको भी दबा देंगे और इसको भी इस पर चोट मार देंगे, ये हिस्सा भी डाउन हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, यहाँ तनाव बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ढक्कन का बैंड निकालने के लिए दोस्तों एक तरीका ये भी है, अभी मैंने जल्दी वीडियो डाली है तो वहाँ से देख के आप देख सकते हैं, ऐसे ही लेना है, यदि ढीला डाला है सब इसको टाइट कर लेना है, और इसको इस तरह से हम पटकेंगे, इस तरह से बराबर पटकना है, इस तरह से दर्द नहीं लगना चाहिए, ये पूरा इसका जो है ये किनारा एक साथ इस तरह से इस पर गिरे, ठीक है, चलिए।
मैंने इसको रख दिया है और ये देखिए एकदम कम हिल, बहुत कम हिल रहा है। और एक बार फिर कुकर में लगा के देखते हैं, तो रबड़ हमेशा नया ही लगाना है दोस्तों। अभी मैं टेस्ट करता हूँ, फिर फाइनली रबड़ नया लगा दूँगा। देखो तो मैंने इसको बंद कर दिया है और इसमें फूंक मार के देखते हैं। नहीं आया, हवा बन रहा है लेकिन बैक नहीं मार पाया, यहाँ से निकल गया। तो हल्का फुल्का बैंड, तो इस बैंड को हम इस पर रख के निकाल के देखेंगे। इसे रखेंगे और इस तरह से हिलाएंगे, देखिए हिल रहा है। थोड़ा सा हिल रहा है, इस तरह से नहीं हिल रहा है, इधर इस तरह से नहीं हिल रहा है, थोड़ा सा इस तरह से है। तो कहाँ से है देखिए, तो सही हो गया, सही है मेरे ख्याल से। इसको फिर एक बार ठीक से अच्छी तरह से रख के चेक करेंगे, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। एक दो बार और रख देते हैं, देखिए ये बिल्कुल नहीं हिल रहा, बिल्कुल सही हो गया है। इसका निकल गया दोस्तों, इसमें हम नया रबड़ लगाते हैं और फिर लगा के आपको दिखाते हैं। 5 लीटर का ये नया रबड़ हमने ले लिया, इसको लगाएंगे दोस्तों। मटका मॉडल है ये, मटका मॉडल में ध्यान देना होता है। देखिए हमारे हमने 95 डिग्री पर इसको रोक के रखा है, 96 डिग्री पर, ठीक है। इस संपोर्ट से थोड़ा सा उठा हुआ है, तो दोस्तों नया रबड़ हम लगा लेते हैं ढक्कन में। तो इसमें रबड़ हमने लगा दिया, देखिए इसको मैं यहाँ से लॉक लगा देता हूँ और इसमें फूंक मारता हूँ। देखिए तनाव वनाव तो बिल्कुल सही है, इधर भी तनाव है, चारों तरफ यहाँ भी तनाव है, यहाँ तनाव है, यहाँ तनाव है, सब जगह तनाव बना है। अब देखिए फूंक मार के दिखाता हूँ आपको, देखिए बिल्कुल ओके, आपको आवाज़ सुनाई पड़ा होगा। एक बार फूंक मार के दिखाता हूँ, एकदम ओके हो गया दोस्तों। तो जब ढक्कन का बैंड निकल जाएगा तो आसानी से किनारे आपस में इस तरह से टच हो जाएंगे। ये कुकर के बॉडी का किनारे की निचली सतह और ये ढक्कन के किनारे पे जो रबड़ बैठता है उसकी सतह आपस में इस तरह से चिपक जाते हैं बराबर से, तो हमारा यहाँ से एयर लीक नहीं करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इस मटका मॉडल 7 लीटर कुकर को डाई प्लेट की मदद से रिपेयर करके दिखाया, किनर से और हथौड़ी की मदद से। तो इस तरह से आप इस मटका मॉडल को रिपेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई, फिर भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भाई काम सीखते हैं वो भाई जरूर देखें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।